गुड़गांव के सेक्टर 23 स्थित कोलंबिया एशिया अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो लाचार परिजन जो अपने 14 वर्ष के बच्चे के शव को पाने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इनकी एक नहीं सुन रहा। दरअसल गुड़गांव के निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय तुषार शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे कोलंबिया एशिया अस्पताल में ले गए। रात लगभग 10 बजे तुषार को एडमिट किया गया और सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो लगभग 8 घंटों में अस्पताल प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया और उन्हें बताया गया कि तुषार को डेंगू था, जिसकी वजह से उसे 12 बोतल प्लेटलेट चढ़ाया गया, जबकि 8 घंटों में इतनी बोतल प्लेटलेट चढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बिल बढ़ाने के लिए ऐसा किया और अब उनके बच्चे के शव को नहीं दिया जा रहा। बस मेरे को हमारे जो लोकल MLA साहब हैं उन्हीं का मैसेज मिला था कि यहाँ पे कोई एक बच्चे की डेथ हो गई है और घर वालों ने कुछ ऐसा एक्यूजेशन किया है कि भी उन्होंने रात को पेशेंट आया था, मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी किए हैं। तो उसके लिए MLA साहब भी आए हुए थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। अभी जो रिलेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भी हमको बिल्कुल शॉर्ट हिस्ट्री बता रहे हैं कि कल एकदम से बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, उसको वो कहीं पास में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां 2-3 घंटे उस बच्चे को रखा है और जब यहां लेकर आए थे एज पर रिलेटिव्स वो कह रहे हैं कि भी बच्चे का शायद बीपी बहुत लो था, उन्होंने कुछ स्टेबल करके यहां भेजा है। यहां पे जो डॉक्टर से भी बात की उन्होंने बताया था कि बच्चा काफी सिक कंडीशन में आया था, सस्पेक्टेड केस है, वो कह रहे हैं जी ब्लीडिंग भी हो रही थी, कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि वो डेंगू था, ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको ब्लीडिंग वगैरह थी, कोई कंफर्मेशन के लिए उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया था, बच्चा बहुत सीरियस था और मॉर्निंग में उस बच्चे की डेथ हो गई है। मैं एक 3 मेंबर कमेटी बनाने जा रही हूँ जिसमें एक फिजिशियन होगा, 2 हमारे और डॉक्टर्स होंगे और वो सारे इनके जो भी रिपोर्ट है, एडमिशन की रिपोर्ट है, जो ब्लड की रिपोर्ट है, वो सारा इन्वेस्टिगेट करके और इंक्वायरी करके एंड देन विल गिव। यहां तक मेरे संज्ञान में ये जो हॉस्पिटल है ये वो सरकार के द्वारा हुड्डा द्वारा दी गई जमीन पे नहीं है, तो ये BPL कैटेगरी का शायद इनके पास वो नहीं है कि इनको उनको कोई कंसेशन वगैरह देना होता है। फिर भी मैं पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगी मैटर को और जब मैटर इन्वेस्टिगेट होगा तो मैं आपको फाइनल बता सकूंगी कि किस लेवल पे कहां पे कहां चूक हुई है और क्या मामला था। अभी मेरे को पुलिस से रिपोर्ट मिलेगी कि उसकी इंक्वायरी किया जाए, मैं बनाऊंगी तो 15 दिन के अंदर अंदर हमारी कमेटी जो है वो थोरो इन्वेस्टिगेट करके और रिपोर्ट देगी। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा बच्चे के शव न देने की घटना की जानकारी जब भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल को मिली तो वो गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर पुष्पा बिश्नोई के साथ अस्पताल जा पहुँचे और मौके पर पुलिस को बुला लिया। भाजपा विधायक व चीफ मेडिकल ऑफिसर के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया। गुड़गांव गांव का एक 13 साल का बच्चा तुषार, कल जो है उसको पेट में दर्द हुआ, पहले एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए, उसके बाद शाम को यहाँ कोलंबो एशिया में लेके आए लगभग 7-8 बजे और उसके बाद सुबह 6 बजे उसकी डेथ हो गई और 1.5 लाख रुपए का बिल वो BPL परिवार है उसका इन्होंने बना दिया। सुबह मेरे पास हमारे सहयोगियों के माध्यम से फ़ोन आया तो मैंने कहा इसको विजिट करके देखते हैं, बाकी पेशेंट्स को भी चेक करते हैं। मैंने CMO को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है, थाने के इंचार्ज भी यहाँ पर हैं और इसकी सारी इंक्वायरी हम करेंगे और किस तरह से गुड़गांव में स्लाटर हाउस इन्होंने हॉस्पिटल को बना दिया है इसकी सारे की मैं जाँच कराऊंगा, कितने पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं और उनके कितने किस तरह से बिल बनते हैं, किस तरह से लूट मचा रखी है और इस बच्चे की डेथ क्यों हुई इसकी भी सारी हम जांच करेंगे। फिलहाल इस मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया जो 15 दिनों में इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी और यदि इसमें अस्पताल की लापरवाही या बिल की गड़बड़ी सामने आई तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। योगेश कुमार, गुरुग्राम समाचार एक्सप्रेस।